नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, दो गाड़ी था हमारे पास और दोनों गाड़ी का दोस्तों आपको सबसे पहले नाम बताऊं तो एक गाड़ी होने वाली है मारुति की 800। जी हाँ दोस्तों, वही पुराने ज़माने की गाड़ी जो कि 2000 में चलती थी। और अगर हम बात करें अपनी दूसरी गाड़ी की, तो दोस्तों दूसरी गाड़ी हमारी होने वाली है टाटा नैनो इलेक्ट्रिक। काफ़ी कमाल की गाड़ी है, काफ़ी बेहतरीन दोनों गाड़ी का आपको लुक मिल जाता है। दोनों के दोनों जो गाड़ी है ना, हैचबैक कार है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये दोनों गाड़ी में से अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि नैनो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इलेक्ट्रिक में लेकर गए हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिक नैनो। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बोले कि भाई नैनो इलेक्ट्रिक अभी लॉन्च नहीं हुए तो आप कहाँ से लेकर के आए हो। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक नैनो, इसका रियल नाम आपको देखने को मिल जाएगा जैम नियो। जी हाँ दोस्तों, अरे जो गाड़ी है नियो कंपनी बना रही है और टाटा कंपनी ने फ्रेंचाइजीज दे रखे नियो कंपनी को, जिस कारण से नियो कंपनी जो पुरानी वाली नैनो आती थी, सेम टू सेम उसी गाड़ी को वापस से दोस्तों बनाया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिक में बन रही है। तो अगर आपको लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपके पास पुरानी वाली नैनो, उसको अगर आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक में, तो भी बहुत ईजी, आपको 1 लाख का आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पुरानी वाली नैनो का आपको नियो कंपनी में ला के दे देना है और नया वाला जो आप नियो कंपनी का गाड़ी पसंद करेंगे उसमें आपको 1 लाख का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो यही है ऑफर। चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी के इंजन के बारे में। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको एवरेज बताऊं तो दोस्तों मारुति 800 का आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा, सीटी एवरेज 15-16 के आसपास। और अगर बात करें हाईवे पे तो दोस्तों हाईवे पे गाड़ी आपको आराम से 22-23 की एवरेज निकाल के दे देगी। जी हाँ, बहुत पुरानी गाड़ी ये सब होती थी, तो ऐसे तो ये गाड़ी अभी आपको ब्रांड न्यू नहीं मिल पाएगी। ये भी मैं आपको बता दूँ, सेकेंड हैंड में आपको मिल जाएगी। और सेकेंड हैंड क्या प्राइस में मिलेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ वीडियो के एंड में बात करेंगे कि दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी दूसरी गाड़ी के बारे में, दूसरी गाड़ी के एवरेज के बारे में। जैसा कि आपको 800 का तो एवरेज पता चल ही गया होगा, नैनो इलेक्ट्रिक एवरेज के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में चार्जिंग टाइमिंग होता है, तो चार्जिंग टाइम आपको 7 से 7.5 घंटे का देखने को मिल जाएगा टाटा नैनो इलेक्ट्रिक में। जी हाँ, आपको गाड़ी को 7 से 7.5 घंटे चार्ज करना पड़ेगा, देन आप गाड़ी को 140 से 150 किलोमीटर बहुत आराम से चला सकते हैं एक फुल चार्ज पे। तो चलिए आपको पता चल गया होगा नैनो इलेक्ट्रिक के एवरेज के बारे में भी। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंजन कैपेसिटी के बारे में, तो आपको मारुति 800 के अंदर 796 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन था उस टाइम के मुकाबले। और नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन आती थी। और वहीं बात करें अपनी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक की, तो जैसा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में दोस्तों सिलेंडर सब रोल नहीं करता, इसका इंजन पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में दोस्तों आपको बैटरी कैपेसिटी और बैटरी वोल्टेज देखना होता है, जो कि मैं आपको नैनो का बताऊँ तो नैनो के अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है 17 kWh का। और बैटरी वोल्टेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको 48 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज भी देखने को मिल जाता है नैनो के अंदर। साथ ही साथ अगर हम मैक्सिमम पावर की बात करें तो दोस्तों मारुति 800 आपको मैक्सिमम पावर जनरेट करके देती थी 35.5 BHP का। वहीं बात करें अपनी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक के पावर के बारे में तो दोस्तों नैनो इलेक्ट्रिक आपको पावर जनरेट करके देगी 27 BHP का। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो दोस्तों आपको मारुति 800 टॉर्क निकाल के दे देगी, आपको दोस्तों टॉर्क दे देता है मारुति 800 5.7 का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम जो कि है। और अगर अपनी बात करें टाटा नैनो इलेक्ट्रिक की, तो नैनो इलेक्ट्रिक आपको 68 Nm का टॉर्क देती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए टॉर्क के बारे में आपको दोनों गाड़ी के बारे में पता चलेगा होगा। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती थी मारुति 800 के अंदर आप 5 लोगों को बहुत आराम से बैठा सकते हैं ऐसा कुछ। और अगर हम नैनो की बात करें तो नैनो का कंपनी दोस्तों क्लेम करता है कि आप 4 लोगों को आप बहुत ही आराम से बैठा सकते हैं, हालांकि दोनों गाड़ी के अंदर 5 लोगों को बहुत आराम से बैठा सकते हैं बिना कोई परेशानी के। ट्रांसमिशन टाइप की बात करें तो मारुति 800 सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गियर में आया करती थी, ऑटोमेटिक उसका नहीं था। अगर अपनी बात करें नैनो इलेक्ट्रिक की तो दोस्तों नैनो इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक में भी है, मैनुअल में भी। हालांकि जो ईवी है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में ही मिलने वाला है, मैनुअल में आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी ईवी कार्स आ रही हैं सारी की सारी दोस्तों आपको ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए ये तो थी ट्रांसमिशन की बात। अभी हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो दोस्तों मारुति 800 के अंदर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 19 लीटर का देखने को मिलता था, जो कि उस टाइम के हिसाब से उस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिया गया था। और नैनो इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक में तो फ्यूल टैंक है ही नहीं दोस्तों। और बॉडी टाइप की अगर हम बात करें तो हैचबैक गाड़ी है, दोनों के दोनों जो गाड़ियाँ आपको हैचबैक में मिल जाती हैं। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा मारुति 800 के अंदर। और टाटा नैनो की बात करें तो नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको 180 mm का देखने को मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो मारुति 800 के अंदर दोस्तों आपको एसी जो था वो देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर भी मिल जाएगा। और पावर स्टेरिंग की बात करें तो पावर स्टेरिंग आपको मारुति 800 के अंदर नहीं मिलता है, हालांकि स्टेरिंग इतना ज़्यादा लूज है कि आपको चलाते टाइम फील बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप पावर स्टेरिंग नहीं चला रहे हैं। पावर स्टेरिंग एक तरह से आप मान सकते हो।
और व्हील कवर्स आपको मिल जाएंगे मारुति 800 के अंदर। वही बात करें अपने नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर, तो नैनो इलेक्ट्रिक में भी दोस्तों नॉर्मल व्हील कैप ही मिलेंगे, कोई आपको एलॉय नहीं मिलेंगे। रही बात पावर स्टीयरिंग की, तो जी हाँ गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाएगी। और एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, या फिर एयरबैग्स हो गया, या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, ये सब कोई भी फीचर्स आपको 800 या फिर नैनो दोनों में से किसी के अंदर नहीं मिलने वाली है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ी के कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खराबियाँ के बारे में, क्योंकि जैसा कि कोई भी गाड़ी है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ और खराबियाँ कूट कूट के भरी पड़ी होती होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मारुति 800 के अच्छाइयाँ के बारे में बताऊँ, तो दोस्तों अच्छाइयाँ यही हैं कि उस टाइम के गाड़ी होने के बावजूद भी अभी के टाइम में भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टक्कर दे रही है, और इसका इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि समझ सकते हैं, और बिल्ड क्वालिटी का तो कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। रस्टिंग भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरह से जो गाड़ी है ना अभी के टाइम में एंटीक कार बन चुकी है। और इस गाड़ी का कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खराबियाँ की जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो अगर मैं आपको अच्छाइयाँ बताऊँ तो अच्छाइयाँ में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा है इसका जो डिज़ाइन है, एंटीक कार वाला डिज़ाइन है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम लगेगा, अंदर में बैठने के बाद ऐसा आपको फील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पुराने गाड़ी में बैठेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि कोई आप एंटीक कार में बैठे हुए हैं। और बाहर से भी लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, और छोटी गाड़ी होने के कारण आप गली हो या कहीं भी आप आराम से ले जा सकते हैं। अगर हम खराबी की बात करें तो मारुति 800 के अंदर मेरे हिसाब से तो दोस्तों ऐसा कुछ खराबी नहीं है, अगर आपके हिसाब से है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अपनी नैनो की बात करें तो दोस्तों नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको खराबी एक चीज़ मिल जाती है कि इसका जो चार्जिंग पॉट है आपको आगे में मिल जाता है, जैसे कि इस गाड़ी का इंजन जो आपको पीछे में देखने को मिलता है और आगे में स्टेपनी रखा हुआ है, तो स्टेपनी के जस्ट बगल में आपको चार्जिंग पॉट मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं चार्जिंग में आपको नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर दिक्कत होगी। जब भी आप गाड़ी को चार्ज लगाएंगे तो गाड़ी का जो बोनट है वो आपको ओपन रखना पड़ेगा, तभी आप गाड़ी को चार्ज लगा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चार्जिंग में इशू अगर बात करें दोस्तों गाड़ी के कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो नैनो इलेक्ट्रिक के अंदर आपको अच्छाइयाँ एक मिल जाती हैं कि गाड़ी का जो बूट है वो आप ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, ओपन करने का आपको पीछे में मिल जाता है, क्योंकि जो नैनो ट्विस्ट वेरियंट आया था 17-18 मॉडल, सिर्फ और सिर्फ उसी को यूज़ किया गया दोस्तों इलेक्ट्रिक में, तो आप इलेक्ट्रिक का टॉप मॉडल है या फिर बेस मॉडल है, बूट ओपन करने का आपको फीचर्स दोनों में मिल जाने वाला है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों मारुति 800 सेकेंड हैंड गाड़ी हो चुकी है, और सेकेंड हैंड गाड़ी आपको मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट में। और इसका मैं आपको प्राइस बताऊँ तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग प्राइस मार्केट में मिल जाएगा 20,000। जी हाँ, 20,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 50,000-55,000 के अंदर में मिल जाएगी। और वहीं बात करें दोस्तों अपनी टाटा नैनो इलेक्ट्रिक की, तो नैनो इलेक्ट्रिक तो खैर ब्रांड न्यू अभी मिल रही है, तो इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको 4,00,000 मिल जाएगा, और अगर एंड प्राइस की बात करें तो एंड प्राइस आपको इसका 6,00,000 देखने को मिल जाता है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको एंटीक कार रखने का शौक है तो ही आप मारुति 800 लीजिएगा, नहीं तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लेने जाइए, क्योंकि अभी के टाइम में अगर रोड पे लेके चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगा अगर पेपर आपका फेल है गाड़ी का। तो इसलिए अगर आपको एंटीक कार रखने का शौक है तो बिल्कुल आप 800 पे जाइए, अगर आपको नॉर्मल यूज़ या सिटी यूज़ के लिए चाहिए तो आग बंद करके आप टाटा नैनो इलेक्ट्रिक उठा लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।